अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी। तो दोस्त, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिससे आप एक आपको ट्रिक बताने लगा हूं। शायद कुछ लोगों को पता भी हो, जिन लोगों को नहीं पता जो न्यू यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो अच्छे सब्सक्राइबर और अपनी वीडियोज़ पर अच्छे व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम है जो आप अपनी हर वीडियो में लाजमी किया करें। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ वो काम क्या कौन सा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सीखो टेक को भी, इससे अर्निंग से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं। उसके बाद मेरा दूसरा चैनल जो है आई एम राशिद अंसारी, जिस पे आप अभी मौजूद हैं, तो इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना है ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आपको प्रोफेशनल यूट्यूब बनाने का जो ज़िम्मा मैंने लिया हुआ है, इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करूँगा। तो ये मेरा आज आई थिंक 7वां या 8वां पार्ट है वीडियो का। तो बाकी जो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो भी देखें और अपना चैनल बनाएं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं अर्निंग का, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि YouTube वेबसाइट के बाद YouTube सबसे बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन अर्निंग करने का। तो चले वीडियो शुरू कर देते हैं। आपने अपने चैनल से लॉगिन हो जाना है, यहाँ पर आपका चैनल होगा, तो यहाँ से आपने माई चैनल पर आ जाना है। उसके बाद माई चैनल पर आने के बाद यहाँ पर हम करते हैं अपना क्रिएटर स्टूडियो को ऑन करते हैं। क्रिएटर स्टूडियो को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ पे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हर वीडियो में ये आपने काम कर लेना है, इंशाल्लाह आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और इसका आपको 100% जो है फ़ायदा भी होगा। तो चले हम यहाँ आ चुके हैं। तो ये बीटा वर्जन है, इसको मैं क्लासिकल वर्जन में एक दफ़ा कन्वर्ट कर लूँ। जो अपना क्रिएटर स्टूडियो में बीटा वर्जन यूज़ कर रहा था, तो यहाँ पर हम क्लासिक स्टूडियो में आ चुके हैं। यहाँ पे साइड्स पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको वीडियो मैनेजर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने आ जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये वीडियो है, इसमें हम कार्ड्स लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, साथ में ये एक छोटा सा एरो भी नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये कार्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप कार्ड्स, यहाँ पे ये अब रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है। अब कार्ड्स क्या होते हैं, किसी भी वीडियो पे लगाए जाते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे एक आई सा नज़र आता है, जहाँ पे आपकी वीडियो को सजेस्ट किया जाता है कि ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, और उस पर लोग क्लिक करते हैं तो उस पर आपको व्यूज़ मिलते हैं। तो चले यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कार्ड्स जो आपने लगाने हैं उसमें तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट का जो है वो फासला होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको पिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 2 मिनट पर लेके जाता हूँ, इस तरह मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट बाद यहाँ पे मेरा कार्ड शो हो। तो यहाँ पे मैंने इसको पिक किया ब्लू एरो को और यहाँ पर ले आया। उसके बाद यहाँ पर एड कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर किया। इसके बाद आप चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, कोई पोल दे सकते हैं, उसके बाद कोई लिंक दे सकते हैं वेबसाइट का। तो यहाँ पे वीडियो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो जो है वो यहाँ पे ये वीडियो जो है पहली इसको टिक करता हूँ। उसके बाद क्रिएट कार्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये आई सा बन गया, ठीक है, मतलब कि 2 मिनट के बाद यहाँ पर ये आई शो हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि 4 मिनट के बाद मज़ीद एक कार्ड शो हो, तो यहाँ पर मैं इसको 4 मिनट पर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें ये लाइन भी आगे जा रही है, ठीक है। अब 4 मिनट के बाद मैं एक मज़ीद कार्ड जो है ऐड कर देता हूं। मैंने ये वीडियो डाली थी, अब मैं डालता हूं ये वीडियो, इसको ओके करता हूं और इसको क्रिएट कार्ड। तो यहां पे देखें 4 मिनट के बाद ये कार्ड हमारा ऐड हो चुका है। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे ब्लू जो है इसको मैं थोड़ा सा आगे ले कर चलता हूँ 6 मिनट पर। तो 2 मिनट का मैं फासला रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अगर आप कार्ड डाल देंगे तो वो भी इरिटेट करना शुरू कर देता है जो व्यूअर्स होते हैं। तो आपने फासला काफ़ी रखने के बाद, अगर वीडियो आपकी छोटी है तो फिर तो कार्ड कम डालें, 1-2 डालें, अगर वीडियो लंबी है तो फिर आप ज़्यादा कार्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद तीसरी वीडियो का कार्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 6 मिनट पे। तो इस तरह आपने कार्ड्स डालने हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छे जो हैं आपके व्यूज़ आएंगे। यहाँ पर अब मैं 6 मिनट के बाद 9 मिनट पर एक मज़ीद और लास्ट कार्ड जो है डाल देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं जो है ये कार्ड एंड स्क्रीन वाला ये डाल देता हूँ। तो इस तरह आपने कार्ड डालने हैं, ठीक है, ये आपका खुद ब खुद सेव होता जाता है। तो इस तरह जैसे ही अब ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ और वीडियो को मैं इसको ऑन करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो को ऑन करूँगा तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं आगे कर लूँ,
तो यहाँ पे देखें ये कार्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये देखें इस तरह, एंड इसको मैं पॉज कर लूँ। अब यहाँ पे सजेस्ट हाउ टू यूज़ एंड स्क्रीन YouTube, अब जो भी बंदा होगा उस पर वीडियो देख रहा होगा ये शोज़ के ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे वो क्लिक करेगा तो उस वीडियो पे आ जाएगा, उस वीडियो को आपके व्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है यूट्यूब पर आ सके और पैसे कमा सके। तो मेरे दोनों चैनल सीखो टेक और आई एम राशिद अंसारी, दोनों आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।